मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पीआरओ पूजा थापक की मौत के बाद अब उनके ससुराल पक्ष की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी पुलिस विभाग कर रहा है। इस पूरे मामले में आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पीआरओ पूजा थापक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूजा थापक के माता पिता ने उनके ससुराल पक्ष के ऊपर कई आरोप लगाए। दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया, जिसके बाद उनके पति पूजा थापक जिनकी मौत हो गई, उनके पति और उनकी सास लगातार फरार चल रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है, ससुराल पक्ष की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पीआरओ पूजा थापक की मौत के बाद उनके पति और सास फरार हैं। पुलिस सभी संभावित ठिकानों पर उनकी तलाश कर रही है, उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि उनकी आखिरी लोकेशन भोपाल के साकेत नगर में ट्रेस हुई थी। उनके संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। लिस्ट मिलने के बाद कोर्ट से उद्घोषणा कराई जाएगी, जिसके बाद कुर्की की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी की है और साथ ही दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पूजा थापक की बीते 9 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। 16 जुलाई को उनके पति निखिल दुबे और सास आशा दुबे के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि पूजा थापक की शादी 2 साल पहले उनके पति निखिल से हुई थी, उनका 1 साल का बेटा भी है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में उनके पति और उनकी सास फरार चल रही है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और अगर वो नहीं मिलते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।